लोकसभा के महापर्व की तारीखें आ गई हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही देखिए पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर, मतलब सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को करीब 79 सीटों पर मतदान होगा, माफ कीजिएगा 89 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में देखिए 7 मई को 94 सीटों पर मतदान होना है। चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर मतदान होगा। पांचवें चरण में 20 मई को करीब 49 सीट पर मतदान होना है। छठे चरण में देख लीजिए 5 मई को 57 सीटों पर मतदान होगा। और आखिरी मतलब सातवें चरण में 1 जून को 57 सीटों पर मतदान होना है। जबकि आपको बता दें कि 4 जून को रिजल्ट घोषित हो जाएंगे, मतगणना होगी, जिसके बाद पता चलेगा कि देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. Second phase. Notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here, in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी total 12 states उस समय में जा रही होंगी और इस phase में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। Fourth phase में 18th April को gazette notification होगा और date of polling would be 13th of May. और fifth phase 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। फेज 6 में 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द पोल स्टार्टिंग फ्रॉम द गजट नोटिफिकेशन ऑन 29th ऑफ अप्रैल एंड फिनिशिंग ऑन 25th ऑफ मई 2024। लास्ट फेज 7th फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन 7th ऑफ मई and polling on 1st of June. So now, when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of gazette notification would be 18th of April 2024, or date of poll would be 13th May 2024. So Andhra ke case mein, notification 18 April 24 ko hoga, or date of poll 13th May 24 को होगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी। 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल, सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल। इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल, 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल। उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड इन फेजेस एंड फर्स्ट फेज वुड बी ऑन 18th अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल वुड बी 13th मई। फिफ्थ फेज में होगा सेकेंड फेज ऑफ द असेंबली ऑफ उड़ीसा 26th अप्रैल एंड 20th मई। देन सिक्स्थ फेज एंड सेवेंथ फेज ऑल्सो उड़ीसा वुड हैव द असेंबली इलेक्शंस, सिक्स्थ फेज बीइंग ऑन 29th अप्रैल एंड 25th मई इलेक्शंस। ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी होगी।